मेरा बाईपास लेना था, तो जस्ट थोड़ा सा आगे आ गए हैं, गाड़ी बैक कर रहा हूँ और उसके बाद ये हो गया, अब ले लेंगे। तो हमें जो है बाएं जाना था, ये ऊपर से रोड जो घूम कर है ये ग्वालियर जाएगा, हमें यही लेना है। हो जाता है तो आप अपने प्लान के हिसाब से अगर कभी चलें तो इस चीज़ का ध्यान जो है रखना जरूरी है। एक बात मैंने जो वीडियो में कई जगह बीच में रिकॉर्ड नहीं किया, देखा है कि भाई यहाँ पे ना गायें हैं वो बहुत ज़्यादा है, बैल वगैरह रोड पे आम ही आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कभी भी नाइट में ट्रैवल करना अवॉइड करें, तो दिन में दूर से पता चल जाता है गाय का अगर जो रंग काला है तो आपको अंधेरे में दिखना मुश्किल हो सकता है। तो जितना हो सके इस वाले ख़ास तौर पे हाईवे पे जो दिल्ली से आगरा जहाँ ग्वालियर जा रहा है, तो मेरी तो ऑब्जर्वेशन यही है और बाकी हर किसी का अपना एक्सपीरियंस हो सकता है। बिल्कुल ही अवॉइड करें, नाइट में ज़्यादा अंधेरा हो जाए तो ड्राइव ना ही करें, नहीं तो कोई ना कोई दुर्घटना होने के जो चांसेस हैं वो हमेशा बने रहेंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जी ये का आगरा का जो बाईपास रोड है एक तरह से ग्वालियर जाने के लिए, वहाँ पर भी टोल आ गया है। अब ये दाई तरफ जो ऊपर है ग्वालियर को जा रहा है और नीचे जो सीधा है वो आगरा की तरफ जा रहा है। हमें जाना तो ग्वालियर है, ऊपर घूम कर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ बाई तरफ एक पेट्रोल पंप दिखा रहा है कॉर्नर पे, तो मेरा जो हाँ वो नज़र आ रहा है, अभी वीडियो में नज़र नहीं आएगा, वहाँ से एक बार तेल भरवा लें कि आगे जाके MP में घुस जाएंगे तो वहाँ पे तेल डीजल थोड़ा महंगा है। गाड़ी में अभी कह लीजिए 30% तेल बचा हुआ है, तो ये सही टाइम होता है। अगर आप लंबे सफ़र पे जा रहे हैं तो कभी इस बात का इंतजार ना करें कि भाई गाड़ी में तेल का ख़त्म हो जाए, 50% से जब भी ऊपर तेल रहे ख़त्म हो जाए तो तभी कोशिश कर लेनी चाहिए कि तेल भरवा लिया जाए। तो अपना तो 60-70% तेल ख़त्म हो चुका है, तो अभी समय हुआ है 10:24 और हमने जो है 241 किलोमीटर गाड़ी चला दी है, तो लगभग 3 घंटे 10 मिनट के करीब हमें टाइम लगा है। तो 70 से लेकर 75 किलोमीटर के आसपास का जो पर आवर का एवरेज आया है सही है, मतलब बीच में एक्सप्रेस वे भी था, रोड जो हम बाद में लिया हमने उसमें जो स्पीड लिमिट 80 की भी थी, मथुरा के आसपास रोड पे रिपेयर हो रही थी, सिंगल लेन चल रही थी, वहाँ पे भी काफ़ी समय लगा, तो मुझे लगता नहीं है डीजल वाला है जो पेट्रोल वाला है। डीजल वाला इनका किधर है भाई? दूसरी मशीन पर कौन है? ध्यान देकर भी राजी नहीं है कोई। 89.53। भाई कह रहा आगे आ जाओ। इतना आ गया 5.59 500 का, पीछे ले रहा हूँ मैं। तो भाई का ऑटो कट नहीं चल रहा था मशीन पे, जो भी दिक्कत थी हमने बोला कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगी, तो पीछे वाली मशीन पे ले रहे हैं, तेल तो ऑटो कट पे ही डलवाएंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखना ज़रूरी है कि ऑटो कट पे ही तेल डलवाऊंगा, अगर यहाँ पे मशीन पे नहीं चला तो भाई कहीं और डलवाऊंगा, लेकिन वो नहीं है, ये हाथ में आधा दबा कर जो वो है मशीन को वो वाला सही नहीं है काम।
तो जी दोस्तों तेल डल गया है, तो तेल की बाहर देखकर मुझे लग रहा था कि काफ़ी टैंक खाली हो गया, लेकिन जो है 32 लीटर के आसपास तेल डला है टोटल, तो इसकी 60 लीटर का टैंक है, तो ज़्यादा नहीं था, मतलब 50% के करीब ही तेल यूज़ हुआ था। तो पिछली बार जब मैंने टैंक फुल करवाया था, तो मैंने दिल्ली से करवाया था, तो उस समय से लेके अभी तक जो गाड़ी है टोटल चली है 444 किलोमीटर, तो इस हिसाब से जो एवरेज निकल के आई है इसमें अभी जो हमने ट्रिप किया है 241, तो मतलब इसमें से 150 किलोमीटर या 160 किलोमीटर गाड़ी सिटी में चली दिल्ली में, और हाईवे पे बहुत ही हाई स्पीड पे चली आपने देखा है, तो वही है कि 100 से ऊपर गाड़ी चलाएंगे तो एवरेज नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर जो एवरेज अभी आई है वो 14 किलोमीटर के करीब आई है, देखा है TGV का 15 भी दिए है टैंक टू टैंक इसने, पूरा टैंक मैंने जो है 50 लीटर तक इसका इस्तेमाल करके देखा सिटी में हाईवे में, उसमें मिस कंडीशन हो जाती हैं सारे तरह की, और कई बार 17 भी रही है। तो कुल मिलाकर ये है कि इसकी जो माइलेज अगर बात करें तो वही 15 और 16 के आसपास है, अगर अभी जो गाड़ी चली है ये 250 किलोमीटर के करीब ये इको मोड में नहीं चली। एक टैंक जो है इस गाड़ी का मैंने लगभग वो पूरा इको मोड पे ख़त्म किया था, तब इसने सिटी में किया था वो भी, तो 17 की एवरेज दे दी थी इसने, काफ़ी अच्छी एवरेज है डीजल के ऊपर अगर SUV कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए। तो अब जी हम निकल पड़े हैं दोबारा ग्वालियर की तरफ, अब कोई स्टॉप नहीं होगा, सीधा ग्वालियर जाकर ही रुकेंगे। आगरा से ग्वालियर का जो रास्ता है काफ़ी बढ़िया बना हुआ है, लेकिन ये उल्टी तरफ क्यों गाड़ियां चल रही हैं कुछ दाई तरफ मैं देख रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आया, जहाँ तक कोई ऐसा बोर्ड लगा हुआ था मैं मिस कर गया, उसमें कुछ तो वजह है, आगे काम भी नहीं चल रहा है, काफ़ी गाड़ियां जो है उल्टी तरफ से जा रही हैं। तो क्या वजह हो सकती है मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक्सीडेंट तो हुआ है पीछे लेकिन उसकी वजह से रास्ता ब्लॉक नहीं है, फिर भी इतनी गाड़ियां बड़ी बड़े ट्रक कारें ये उल्टी क्यों जा रही हैं भाई उल्टी तरफ, पता नहीं भाई इनकी मौज। तो जी एक और टोल प्लाजा आ गया है आगरा निकलने के बाद ग्वालियर से पहले, यहाँ पर जो एरिया मैं देख रहा हूँ जैसे अब हरियाणा से आए हैं, यूपी का जो एरिया था वहाँ से आए, वो काफ़ी हरा भरा एरिया था, अब थोड़ा सा रेतीला एरिया आ रहा है, आसपास फसलें जो हैं वो नज़र नहीं आ रही हैं, दाई तरफ देखें या बाई तरफ देखें छोटे छोटे घास फूस हैं, और समझ में आ रहा है कि अभी जो एरिया रेतीला आ चुका है, बिल्कुल जब आप एक तरह के एरिया से दूसरे तरह के एरिया में जाते हैं तो बिल्कुल एहसास होना शुरू हो जाता है कि भाई बिल्कुल चेंज हो गया है, जो पेड़ हैं या छोटे पत्ते वाले पेड़ हैं अगर चारों अगर मैं देखूं चारों तरफ, क्योंकि जो रेगिस्तान का एरिया होता है उसमें ऐसे ही पेड़ पाए जाते हैं, जो अपना पानी जहाँ ज़्यादा रहता है वहाँ पेड़ जो पत्ते होते हैं वो बड़े रहते हैं, वो हरियाली ज़्यादा रहती है और हरियाली ज़्यादा लगती है, पेड़ घने होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रेगिस्तान वाला मामला शुरू हो गया है। ये राजस्थान के अंदर जो रोड है बहुत दिखने में साफ लग रहा है लेकिन थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, जैसे गर्मी की वजह से जो पोल टार रहती है वो पिघल जाती है,
तो थोड़ा बहुत वर्कआउट रहता है। थोड़ी सी भी स्पीड में ले रहा हूँ, 60-70 की स्पीड पे, 80 से ऊपर जा रहा तो बहुत ज़्यादा गाड़ी ये आवाज़ कर रही है। वैसे वो गाड़ी इतनी ज़्यादा आवाज़ करती नहीं है, कड़कड़ दो जो दरवाजे हैं वो भी वो आवाज़ करने लग रहे हैं। अब थोड़ा ठीक है, पीछे काफ़ी दिक्कत रही, फिर भी इतना स्मूथ नहीं है कि मैं 80 या 90 की स्पीड पे कहूँ कि ये स्टेबल चल रहा है। बीच बीच में आ जाता है, तो आगे चल के रोड काफ़ी बेहतर है। थोड़ा जो छोटा टाउन है उसमें ट्रैफिक है, लेकिन वो जो 4-5 किलोमीटर का एक पैच आया था राजस्थान के अंदर, वो थोड़ा ख़राब था, लेकिन फिर काफ़ी अच्छा रोड है, स्मूथ है। आप एक स्पीड मेंटेन कर सकते हैं बड़े आराम से। अगर साइड में मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, तो पुराने किसी किले के खंडहर जो है, छोटी सी पहाड़ी पे बना हुआ, वो नज़र आ रहा है। तो ये ऐसे छोटे छोटे किले जो हैं राजस्थान की पहचान है। नदी के ऊपर से गुजरते हुए अब यहाँ पे MP का बॉर्डर आ जाएगा। नदी थी, रिवर टाइप, जिसका जो ब्रिज हम पार करके आए हैं वो चंबल रिवर है। तो चंबल रिवर पार करने के बाद चंबल का एरिया ये है, आसपास का काफ़ी फेमस है, अपने डाकुओं के लिए काफ़ी फेमस डाकू हुए हैं चंबल के एरिया में। तो मूवीज़ में यही दिखाया जाता है, यहाँ पे जो आसपास नज़र आ रहा है एरिया, उन ऐसी जगह पाओ, ऐसे जो भीरड़ होते हैं इन्हीं में जो डाकू लोग किसी समय राज करते थे, आज भी होंगे पता नहीं, लेकिन समय काफ़ी बदल चुका है। तो यहाँ पर मैं ख़ास तौर पर रुका हूँ आपको जो छोटे छोटे हट टाइप जो स्ट्रक्चर है ये दिखाने के लिए। काफ़ी बने हुए हैं गांव में, तो ये है क्या कि गोबर के देखो नीचे उपले नज़र आ रहे हैं, अगर आप वीडियो देखें थोड़ा जूम करके दिखाऊं, उन उपलों को बारिश से बचाने के लिए उसी तरह उसी गोबर और मिट्टी का एक लेप बनाकर ये हट बना दी जाती है, और फिर इन उपलों को काफ़ी समय तक, साल 2 साल तक, जब तक जरूरत रहती है, इस्तेमाल किया जाता है। ये एक रूरल आर्किटेक्चर भी है, और चीज़ों को संभालने का जो लोकल मटेरियल है जो भी अवेलेबल है लोगों के पास, एक अपना तरीका भी है। तो इसमें देखा जाए तो सब कुछ ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक होम कहा जाए तो पूरा 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 सिस्टम जो इसके अंदर मटेरियल है जो जिससे जो बनाया गया सब ऑर्गेनिक है। देखिए दोस्तों, ये रोड पर मैं कह रहा था ना, ये गाय है, एक छोटे गाय का बच्चा है जो पीछे मरा पड़ा था एक्सीडेंट होकर। तो ये है थोड़ी जहाँ पे चीज़ राजस्थान में मुझे कम मिली, लेकिन अगर मैं यूपी हरियाणा और आगरा के आसपास की बात करूँ वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा थी। अब ये भी हो सकता है कि जब तक मैं राजस्थान तक पहुँचा था तो धूप काफ़ी हो चुकी थी, 2 दिन का समय भी काफ़ी हो गया था, तो इस वजह से जो जानवर हैं वो सड़कों पे ना आकर जो है किसी छाँव में पेड़ के नीचे कहीं बैठे होंगे। तो इस तरह से जो हमारा पशु है इनकी समस्या तो काफ़ी नज़र आ रही है। अभी यहाँ पे वो एक ही एक्सीडेंट वाला केस था, वैसे मुझे रोड पे कोई ज़्यादा नज़र नहीं आए। इसका बड़ा कारण अभी जैसे मैं बात कर ही रहा था, कैमरे में शायद रिकॉर्ड नहीं होगा, दाईं तरफ एक बैल था जो छाँव में खड़ा था। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि धूप की वजह से वो जो जानवर हैं वो आपको सड़क पे नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर आप रात को ड्राइव करेंगे या शाम या सुबह तो वो वाली समस्या हो सकती है। तो ये एक टोल और आ गया है,
जिला मुरैना में। अभी पीछे टोल पर दोस्तों मैंने देखा कि जो ऑपरेटर थी वो एक लड़की थी। ये चीज़ अब काफ़ी कॉमन हो गया है, अच्छी बात है, क्योंकि आज से 10-12 साल पहले बहुत ही कम था कि टोल बूथ पे ऐसे काम करते हुए लड़कियां आपको नज़र आएं। पंजाब में तो मैंने देखा कि काफ़ी पहले शुरू हो गया, 10-12 साल से थोड़ा नज़र आने लग गया था। अगर उससे आप पीछे जाओ 15-16 साल पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने यहाँ भी MP में भी देखा, राजस्थान में भी काफ़ी जगह देखा है। तो काफ़ी अच्छी बात है ये कि जो रोज़गार का कोई भी जरिया है वहाँ पे महिलाएं जो काम कर सकती हैं, बड़े आराम से आकर वो वहाँ पे कर रही हैं और उनको मौका भी मिल रहा है, तो एक बेहतर चीज़ है ये। एक चीज़ जो और मैंने ऑब्ज़र्व करी है, ख़ास तौर पर जब से MP में एंटर करे हैं, तो रोड के आसपास काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं जो अभी एक बाईं तरफ गई है, पहले भी काफ़ी आई हैं, दाईं तरफ भी मुझे थोड़ी नज़र आ रही हैं। तो ये जो एरिया है जहाँ पे खेती का स्कोप काफ़ी कम है, जो ज़मीन का नज़र आ रहा है थोड़ा रेतीला ज़मीन है, लेकिन ऐसी जगह पर फैक्ट्रियाँ लगाना जो है वो मुझे सही लगता है। एक तो लोगों को रोज़गार का कोई और बेहतर साधन नहीं होता, उनको रोज़गार भी मिलता है, प्लस जो खेती लायक ज़मीन है जहाँ पे 2 या 3 फसलें आराम से हो सकती हैं साल में, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगा दी जाती हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे जो है सही नहीं लगता। ऐसी जगह हर स्टेट में कहीं ना कहीं होती है कि वहाँ पे खेती का ज़्यादा काम नहीं हो सकता, जो ज़मीन का जो उपजाऊपन है वो इतना अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे फैक्ट्री लगाना कोई गलत नहीं है, वहाँ पे रोज़गार भी आएगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, क्योंकि जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टेट के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए। सिर्फ इतना ध्यान रखना चाहिए कि वो थोड़ा सा जो खेती वाली ज़मीन है उसको बचा के रखना भी हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे जब हाईवे वगैरह भी बनते हैं तो बहुत सारी ज़मीन इनमें चली जाती है। एक तो हाईवे बन गया, उसके बाद हाईवे के आसपास फैक्ट्रियां लग गई, तो डबल जो वो कह लिए इतना नुकसान हो जाता है। ऐसी जगह पर जहाँ पर ज़मीन रेतली है और खेती का स्कोप कम है, वहाँ पर फैक्ट्री लगाना एक बेहतर ऑप्शन है। तो जी ये है ग्वालियर शहर के अंदर हम आ चुके हैं। तो अभी तक जो शहर का इम्प्रेशन है जिन सड़कों पे मैं गया हूँ, वो किसी भी दूसरे जो नॉर्थ इंडिया का शहर होता है, जो सब टाउन रहते हैं, वैसा इम्प्रेशन है। नीचे जहाँ पे इन्होंने टेलीफोन बूथ बना रखा है, कोई रास्ता है वो बहुत ही नैरो है, सकड़ा है, और सामने से कई बार डंपर वगैरह आते हैं तो ये बता देते हैं कि भाई डंपर आ रहा है तो आप कब जा सकते हैं कब नहीं जा सकते, तो उनमें जाने के लिए इजाज़त मिल गई है। तो अब हम ऊपर जा रहे हैं। ये शहर के अंदर एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर एक किला है, जैसे पुराने समय में राजा महाराजा बादशाह बनाया करते थे, और उसी किले के अंदर है गुरुद्वारा दादा बंदी छोड़ साहिब। तो आज हम वहीं जा रहे हैं, फिर किला भी थोड़ा बहुत देखेंगे। सामने जो नज़र आ रहा है इस पहाड़ी की हाइट का जो है इस्तेमाल करते हुए, जहाँ पे लग रहा है कि टीवी टावर या रेडियो टावर लगा रखा है, तो इससे क्या है कि टावर की हाइट जो ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं पड़ी, टावर अपने आप ही उसको हाइट मिल गई।
तो दोस्तों जो है हमारी पहली मंजिल गुरुद्वारा साहिब दाता बंदी छोड़, ये एक सिख इतिहास से जुड़ा हुआ गुरुद्वारा साहिब है, जहाँ पर जो सिखों के छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब थे उनको नज़रबंद किया गया था जहांगीर के द्वारा, और जब उनको छोड़ा गया कुछ गलत फहमी हो गई थी जहांगीर को, और जब उनकी लगा कि ये किसी गलत व्यक्ति को हमने बंदी बना लिया है, जब उनको छोड़ने की बारी आई तो उन्होंने कंडीशन रखी कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, जहां पे कुछ और भी लोग हैं काफ़ी समय से बंदी हैं उनको भी छोड़ा जाए। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने सफ़र की पहली मंजिल ग्वालियर पहुंच चुके हैं, जहां कुछ समय बिताया जाएगा और उसके बाद जो है आगे का सफ़र शुरू किया जाएगा। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा हम कहां जाने वाले हैं, कौन सा रास्ता लेने वाले हैं, रास्ते का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहता है। आप गुरुद्वारा साहिब की जो कंप्लीट वीडियो है उसको मेरे पंजाबी चैनल पंजाबी टोन के ऊपर देख सकते हैं, वहाँ पे उस वीडियो को अपलोड किया जाएगा। उस चैनल का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरी गुजारिश करनी चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए आए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को जहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।